हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रोशनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है 7 अगस्त और मैं जा रही हूँ आज एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम वैसे कल है 8 को, लेकिन हम आज ही निकल रहे हैं क्योंकि आजकल बरसात के टाइम में रोड वगैरह का ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो इसलिए एक दिन पहले जाना ही सेफ रहेगा। तो इसलिए हम जा रहे हैं और मेरा सेंटर है रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग जा रहे हैं और मेरे साथ आ रहे हैं पापा। पापा भी घर से निकल गए हैं, मैं भी निकल गई हूँ, तो अब मिलते हैं ऊखीमठ में। अभी हमें ऊखीमठ मार्केट में और पापा चले गए थे थोड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए, आज मुझे फास्ट रखना था लेकिन अभी फिर जाने की वजह से फास्ट रख नहीं पाई, तो बस मंदिर में गए। तो अभी हम जा रहे हैं भैया के रूम पे स्कूटी की चाबी रखने पापा की, क्योंकि स्कूटी तो ले जा सकते नहीं है, गाड़ी में जाना पड़ेगा, बारिश का मौसम है। तो स्कूटी की चाबी भैया के रूम पे रखेंगे और कल फिर जाते हुए ले जाएंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं भैया के रूम से नाश्ता करके और अभी थोड़ा स्टेशन जाना है गाड़ी देखने। फ्रेशन अप होते हैं थोड़ा सा और उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं। कल तक का टाइम अभी, आज जल्दी पहुंच गए, रोल वगैरह सब सही थी इसलिए जल्दी पहुंच गए, क्योंकि आज मौसम भी ठीक है, बारिश हो रही है। फिर थोड़ा पढ़ाई करते हैं और फिर जाते हैं लंच करने, क्योंकि 12 बज चुके हैं तो आप आते हैं फिर लंच करते हैं। गाइस अभी हम आए हैं होटल में लंच करने, फिटिंग सही है? फिटिंग सही है? अभी अभी बज रहे रात के 9 और मैं और पापा जा रहे हैं अभी डिनर के लिए, और आज पूरा दिन से शाम ऐसी हो गई, पता ही नहीं चला पढ़ाई के चक्कर में। अभी निकल गई हूँ बाहर, लंच करके आए, फिर थोड़ा रेस्ट लिया और अभी रूम से बाहर निकले हैं और किसी भी डिनर करने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 8 अगस्त, यानी कि पेपर वाला दिन, और अभी बज रहे सुबह के 9:30, मुझे तो पता ही नहीं चला 9:30 सुबह 5 बजे से हुई है। और अभी हाथ में दूसरे दोस्त फ्रेश हुए हैं, तो अभी पापा ब्रेकफास्ट ले आए हैं रूम में, पापा नाश्ता करते हैं। बिना चीनी के कैसे खाऊंगी मैं दही? क्या हुआ, खा लेंगे चलो। हेलो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं कल आ चुकी हूँ एग्जाम देके वापस घर, और घर आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ भी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और फिर एग्ज़ाम का इतना, मतलब पूरा दिन ऐसे हैक्टिक था कल, तो फ़ोन तो मतलब कहाँ था कुछ पता ही नहीं है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं कल। और फिर एग्ज़ाम सेंटर पे फ़ोन वगैरह अलाउड भी नहीं था, तो मैं लेके भी नहीं गई। फिर गाइज आपको तो पता ही होगा एग्ज़ाम का इतना प्रेशर रहता है एग्ज़ाम के दिन का, और एग्ज़ाम होने के बाद तो और ज़्यादा प्रेशर आ रहा था मेरे को। तो
तो एग्ज़ाम तो हो गया फाइनली, जैसे कैसे निपट गया फिलहाल। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर वापस, और अभी दोपहर का टाइम है, और आज भयंकर दोपहर की, दोपहर को सुबह तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर अभी धूप आ गई बहुत तेज़। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ छाँव में, और अभी आसमान में देखो कितने सुंदर सुंदर बादल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा अभी। पूरा मौसम एकदम क्लियर हो गया अभी तो, पर आजकल के मौसम का कुछ पता नहीं है। अभी धूप है, शाम को बारिश भी हो सकती है। और ये देखो, ये वाली ककड़ी भी पूरी तरह खाने के लिए रेडी हो गई है। तो ये वाली जो ककड़ियाँ हैं, ये थोड़ा सा मतलब छोटी वाली फूल जाते हैं, बहुत बड़ी नहीं होती। तो अब हल्की हल्की पीली होना स्टार्ट हो गई है, मतलब अब हम इसको खा सकते हैं। और उसके पीछे एक छोटी छोटी सी और लगी है, और बाकी ऐसे ऐसे तो बहुत सारे लगे हैं। ये देखो, तो अभी काफ़ी सारी लग रही है, तो मतलब अगले कुछ दिन हमारा टन साग होने वाला है काफ़ी ककड़ियाँ खाने वाले हैं हम फिलहाल। तो अभी हमने तो लंच वगैरह सब कर लिया है, और मम्मी लोग तो रेस्ट कर रहे थे, तो मैं भी जाती हूँ फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से फिर घर के काम ऐसे शुरू हो जाते हैं, घास खाना ये सब, डेली रूटीन का काम तो हमेशा ही चलता रहता है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 3 साढ़े 3 बजे तक। तो फिलहाल आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, और अगला वाला जो ब्लॉग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ ब्लॉग्स को देखते रहिए और लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।